अच्छा, ये एक अदद 1,000 रुपये है। तो मैं इसके थ्रू जो आपको एक बिज़नेस आइडिया ऐसा बताने वाला हूँ जो है रूम स्प्रे, जो खुशबू का काम देती है, ठीक है। ये आपने इसका कारोबार करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर तो आपके पास सिर्फ एक अदद 1,000 रुपये है तो आप बेहतरीन कारोबार शुरू कर सकते हैं। 1,000 से मैं एक आपको ऐसा बिज़नेस आइडिया बताऊंगा कि आप फिर कभी ये नहीं कहेंगे कि यार मैं 1,000 से कारोबार नहीं कर सकता। आप 1,000 से कारोबार कर सकते हैं और ज़रूर कर सकेंगे। ऐसा कारोबार जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, अगर वो उसका आप कारोबार करते हैं तो यकीन जाने आप यार लाखों को छोड़ो लेकिन 1,000 रुपये तो महाना कमा सकते हैं ना। 1,000 रुपये भी कमाओ और आप साल का आप बढ़ चढ़ के, ठीक है। अच्छा, ये एक अदद 1,000 रुपये है। तो मैं इसके थ्रू जो आपको एक बिज़नेस आइडिया ऐसा बताने वाला हूँ जो है रूम स्प्रे, जो खुशबू का काम देती है, ठीक है। ये आपने इसका कारोबार करना है। ज़्यादा महंगा नहीं है ये, और आप पहले तो इसकी जो है ना प्राइस देख लें। ये इसकी प्राइस है, ये आप इसकी प्राइस देख लें, ठीक है। 350 रुपये। अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो इनके रेट हवा से बात कर रहे होते हैं। अगर आप किसी लोकल बंदे से लेंगे वो आपको मे बी हो सकता है कि 200-250 में दे दे, 300 रुपये में दे दे। अगर आप माल ये बल्क में उठाएंगे तो आपको 100-120 का पड़ेगा। और आप इसको कहाँ कहाँ सेल करेंगे? मार्केट में, उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, जहाँ बड़े बड़े ऑफिस होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर स्टेट लाइफ ऑफिस हो गया या प्रॉपर्टी डीलर वाला ऑफिस हो गया, बहुत सारे पाकिस्तान में इस तरह के दफ्तर हैं जहाँ पर आप इसको सेल कर सकते हैं। आप ज़्यादा महंगा ना करें, आप 120 का या 100 रुपये का लेते हैं उसको, आप इसको 250 रुपये में सेल कर दें, 300 रुपये में सेल कर दें। जो लोग 350-300 रुपये में या 400 रुपये में, जो 400 रुपये में सेल कर रहे हैं, आप अगर आप में शर्म है तो आप ये कारोबार नहीं कर सकते। शर्म को मारो गोली, ठीक है। आप यही पकड़ो, बल्क में 10-12 पीस उठा लाओ और उसको बल्क में आपको सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ एक नोट जो है ना आपको बल्क के लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर भारी है। अगर आप 10-12 ये पीस ले के आते हैं तो आप पर पीस के पीछे 100 रुपये या 150 रुपये मुनाफा भी रखते हैं, तब भी आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में अगर आप 20 पीस भी बेसेल करते हैं, आप सोचें कि आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है। आप 100 पीस छोड़ दें, आप 20 पीस बेच दें, पहले दिन आप 20 पीस बेचेंगे, ठीक हो गया। फिर आप अगले दिन हो सकता है कि आप ज़्यादा सेल कर दें, 30 पीस सेल कर दें, फिर आप 40 पीस सेल कर दें। इसी तरह करते करते आपने एक अपना एक बिज़नेस शुरू कर लेना है। फिर आपने अपने ऑफिस में ये रखना है, बंदे हायर करने हैं, बंदे हायर करने के बाद उनको ये देना है भाई, और ये बंदों को देना है भाई, सेल करो, खुद भी कमा के खाओ और मुझे भी कमा के खिलाओ। ये ऐसा कारोबार है कि आप कहीं पर ये नहीं रुकेगा, और ये बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह। यकीन जाने बहुत सारे लोग ये कारोबार कर रहे हैं और यहाँ से 1,000 लेके आए थे और 50-50 हज़ार लेके जाते हैं, लाख लाख रुपया लेके जाते हैं। यकीन माने इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है। अगर आपको ये झूठ लगे तो आप वीडियो स्किप करके आप मार्केट चले जाएं, वहाँ से इसका रेट पूछें, आप हर चीज़ वहाँ से इसकी जो तय करें, तय करने के बाद जो भी होगा आपका उसमें अपना मार्जिन रखें और उसको आगे सेल करें। 1,000 रुपया, 1,000 रुपया आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 1,000 रुपये से कारोबार शुरू नहीं होता, मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि आप 1,000 रुपये से कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं। ये 1,000 रुपया नहीं है समझे, ये आपको 1 लाख रुपया दिया जा रहा है, आपने इसके थ्रू कारोबार करना है। इसको आप 1 लाख रुपया ही समझें, और जब आप लेने जाएंगे इंशाल्लाह बल्क में आपको सस्ते और ज़्यादा मिल जाएंगे। तो 1,000 से स्टार्ट करो और ख़ुद कमाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, अपने वालिदैन को खिलाओ और खुशहाल ज़िंदगी गुजारो। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, ये सेल करो, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।